माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मैं मंजुनाथ बजंत्री डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देवघर बात कर रहा हूँ। सर, उस दिन घटना सूचना जैसे ही हमको मिल गया तो हम वहाँ तुरंत SDO को भेज दिए और उसके बाद NDRF को भी इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं और SP साहब वहाँ पहुँच गए और सिचुएशन का हमने सबसे पहले असेस किया। फिर उसके बाद हम सोचे कि ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, और वहाँ कुछ लोग जो हम लोगों ने रेस्क्यू किया था उनको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए। फिर सभी लोगों से बातचीत करने के बाद वहाँ जो केबल कार के कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर उसके बाद NDRF के टीम की वजह से, फिर उसके उनसे और जो लोकल टीम वहाँ लोकल लोग जो है उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग यही नतीजे पे आए कि इनका रेस्क्यू जो है एरियल सर्वे से किया जा सकता है, ये और दूसरा कोई और कोई माध्यम नहीं है। तो हम लोगों ने तुरंत राज्य सरकार को इसको सूचना दिया, फिर वहाँ से भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द राहत हमको किया जाए। तो फिर हम लोग उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहाँ जैसे सर आपने बताया कि उनका हौसला, वहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उनका हौसला कैसे रखें, तो कीपिंग द होप अलाइव, ये हमने तुरंत क्या किया कि वहाँ के जितने भी हमारे NDRF टीम थी, वहाँ जो केबल की कंपनी थी, वो जो एक पैरेलल मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से वहाँ लाइट और राहत कार पानी पहुँचवाना, फिर उसके बाद हम लोग कोशिश किए बहुत टॉप लेवल पे जहाँ था जहाँ पहुँचाया नहीं जा सकता था, तो वहाँ पे भी हम लोग लाउड स्पीकर से बात किए। और हमको क्योंकि नेक्स्ट डे एयरफोर्स आने वाली थी तो उसके लिए हम लोग पहले ही थोड़ा स्टडी कर ले कि किस कौन कौन सा ट्रॉली में कितने लोग हैं और किस तरह के लोग हैं और उनका क्या स्थिति है, बच्चे तो नहीं है, तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने पहले ही बना दिया। तो उस दिन हम लोगों को जो चार्ट बना दिया कि 12 ट्रॉली में 48 लोग हैं, हर एक ट्रॉली में कितने कितने लोग हैं, वो सारा हम लोगों ने बना के रख दिए। तो फिर नेक्स्ट डे जो है जैसे एयरफोर्स आई उससे पहले ही हम लोगों ने सभी जगह टेम्पररी हेलीपैड तैयार कर दिए थे। फिर उसके बाद एयरपोर्ट में जो जो चाहिए सारा कोऑर्डिनेशन जो रहना है वो कर दिए थे। और उस दिन सुबह सुबह जब ITBP और NDRF की एडिशनल टीम भी जब आई, इंडियन आर्मी भी आई, तो वो सभी लोग जाते थे देखते थे, अरे ये तो इतना ऊपर है कैसे निकाल पाएंगे, तो सब लोग आते थे बोलते थे हाँ ये तो एरियल से ही निकल सकता और कोई रास्ता है नहीं। तो फिर हम लोगों ने एयरफोर्स जब आई सर तो इसका रेस्क्यू शुरू हुआ उस दिन, 33 लोगों का जो फर्स्ट डे रेस्क्यू हुआ। और उस दिन सर एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह मुझे लगभग 4 बजे जो कॉल आया, क्योंकि हमने भी रात को जिन जिन से कॉल हुआ था उन सब से बात किए थे, तो एक व्यक्ति बोले कि सर हमको जल्दी निकालिए ना, क्योंकि हमको सुबह सुबह हमारे घर में बच्चे का स्कूल बोर्ड एग्जाम है। तो मैंने उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि इनको पूरा हौसला है, हम लोगों ने जो भी दिया है वो सारा चीज़ है इन लोगों के पास। फिर और एक व्यक्ति ने जो रात को 2 बजे हमने फ़ोन किया था, तो वो सुबह लगभग 4 या 5 बजे मुझे फ़ोन करके वो बताया कि आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ रही है, ये क्या नौटंकी चल रही है, हमको क्यों नहीं आ रही है। तो सर हमने बताया कि नहीं नौटंकी नहीं, हम लोग तो आने वाली है, जैसे सनराइज होगा तो आएगा। तो उन्होंने बताया कि जल्दी से हम कब तक बैठे रहेंगे यार, जल्दी से बुलाए। तो फिर हमको लगा कि इनका सभी का हौसला है और इनका होप पूरा है और हम लोग कर पाएंगे सर। और इसके माध्यम से फिर बाद में हम लोगों ने सारे ब्रीफिंग, जिसको मीडिया को भी जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सारा चीज़ किए, और जितने भी मल्टी एजेंसीज है सर, NDRF, इंडियन एयरफोर्स, फिर उसके बाद ITBP, इंडियन आर्मी, इन सब के साथ समन्वय बनाया सर। फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग रिमेनिंग लोगों को भी किया सर, और उस दिन जब एक व्यक्ति को नहीं बचा पाए तब तक सनसेट हो रही थी, तो हमने अनुरोध किया कि आज इसको क्लोज किया जाए, नेक्स्ट डे हम लोग करें। और रात के दौरान हम लोग फिर से ड्रोन से उनको जो भी खाना वाना पानी जितना लोगों को हम लोग पहुंचाया जा सकता पहुंचाए सर। और फिर उसके बाद लास्ट डे जो है ये किया गया सर। और इसके लिए सर मैं जिला प्रशासन की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, और जितने फोर्सेस सभी लोग आए थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सर। मंजुनाथ जी, आपका तो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपकी इस पढ़ाई का भी उपयोग हुआ क्या? यस सर, क्योंकि सर प्लानिंग में हम सोच रहे थे कि सर वहाँ वो जो इतना स्टीफ क्लिफ था ऑलमोस्ट 90 डिग्री,
और वो जो 45 डिग्री एंगल पे वो रोपे था, तो उस समय लग रहा था कि सही में इवन जब अगर एयरफोर्स भी आएगी थी हम लोग कैसे कर पाएंगे, वो चिंतित थे हम। उसके बाद जो हमको प्लानिंग में खासकर यूज हुआ सर, उस समय रात को ही हम लोग पहले ही पूरा तैयारी करके रख दे एक एक ट्रॉली में क्या क्या कौन लोग हैं और उनका क्या स्थिति है, ताकि सुबह रेस्क्यू करते वक्त उनको पता चले कि कहाँ बच्चे हैं कहाँ महिलाएं हैं, तो वहां ज्यादा फोकस करें सर। और इतना ही नहीं सर, वो उसका हम लोगों ने वीडियो बनाया, जो ट्रॉली जो है हर एक ट्रॉली का उसका डायमेंशन रफ और पूरा 360 डिग्री एंगल, और वो इंडियन एयरफोर्स के हम लोगों के जो ग्रुप कैप्टन साहब थे उनको दे दिया सर, ताकि वो लोग अपना स्ट्रैटेजी बना पाए कैसे किस तरफ आउटसाइड डोर है, कितना केबल से जो सी है उसको अंदर कैसे जाना है, उन्होंने उसकी स्ट्रैटेजी बना के वो लोग कर पाए सर। देखिए, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो ये बहुत जरूरी है। इस हादसे से जुड़े जो भी आपके अनुभव है उसकी जानकारी बहुत अहम होगी। स्थानीय प्रशासन के अन्य लोगों को भी आप मेरी तरफ से साधुवाद दीजिएगा।